रविवार इतवार व्रत की कथा इस प्रकार से है कि एक बुढ़िया थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीप करके स्नान आदि करके भगवान की पूजा करती थी और फिर जो है भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगा के स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार से सुख एवं धन धान्य से परिपूर्ण था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और कोई विघ्न भी उसे नहीं सताता था। लेकिन उसके पड़ोसन जो है अत्यंत ही चांडाल थी। वह हर उसके सुख कार्यों में जो है विघ्न बाधा उपस्थित कर देती थी। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसके एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्नता वैभव उल्लासता को देख करके वह जलने लगी। वह विचार करने लगी कि यह सदा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह अपनी गौ को गाय माता को घर के भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय को गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लीप सकी। उस दिन उसने जो है भोजन तो बनाया परंतु भगवान को भोग न लगाया और न स्वयं ही भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण से वह अपना भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा हे माता, हम तुमको ऐसी गाय दे रहे हैं जो सभी मनोकामनाओं इच्छाओं की पूर्ति करेगी। इस कामार सिद्धतम, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय की गोबर से लीप करके भोजन बनाती हो और मेरा भोग लगाती हो, उसके बाद ही स्वयं भोजन करती हो माता। इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, अत्यंत ही खुश हूँ। मैं निर्धन को धन और बाज स्त्रियों को पुत्र दे करके उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान दे करके भगवान सूर्य नारायण ये अंतर ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। गौ और बछड़े को देख करके वह वृद्धा माता जो है अत्यंत ही प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब पड़ोसन उठी और उसने देखा कि बुढ़िया ने आज घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बांध रखा है तो ईर्ष्या डाह द्वेष के कारण जलन के कारण जो है उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है अर्थात सोने का गोबर उसने दिया है तो वह चोरी से उस गाय के गोबर को उठाकर ले आई और अपनी गौ माता के पास उस गोबर को रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती थी। सीधी साधी बुढ़िया ने उसकी चालाकी की खबर उसे नहीं लगी क्योंकि वह अत्यंत ही पड़ोसन चालाक थी। तो बुद्धा माता जो है बुढ़िया माता को इस बात की भनक नहीं थी। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। अन्य कोई उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जा करके महाराज कहा कि महाराज, मेरी पड़ोसन में एक वृद्धा अर्थात बुढ़िया के पास जो है एक ऐसी गौ माता है जो प्रतिदिन जो है सोने का गोबर देती हैं और आप जो है वहाँ सेना भेज करके जो है पकड़ करिए, सिपाहियों से उस बुढ़िया को लाइए और सोने को जो है आप प्राप्त कर लीजिए, उससे जो है प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोचने को क्या करेगी अर्थात वह बुढ़िया जो है माता उतना सोना क्या करेगी। उसकी बात सुन करके राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने का आदेश दिया। वृद्धा जो है अर्थात बुढ़िया प्रातः भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि उसी समय जो है राज दरबार के राज कर्मचारी गऊ को खोल कर ले गए। वृद्धा माता जो है बहुत रोई चिल्लाई किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई
क्या कहता। उस दिन वृद्धा माता जो है गऊ के वियोग में भोजन ना कर सकी और रात भर रो रो करके ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती थी। राजा गऊ को देख करके अत्यंत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरी दिखाई देने लगा। राजा को यह देख करके काफ़ी घबराहट हो गई। इस प्रकार से जो है भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय जो है बुढ़िया माता को लौटा दीजिए, इसी में तेरा भला है। उसके रविवार व्रत के करने से हम अत्यंत ही प्रसन्न हैं और मैंने ही उस गऊ को उसे दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुला करके बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा उसे लौटा दिया और उसने कार्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद जो है राजा ने जो है अपने दरबार में उसके पड़ोसन को बुला करके उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में से जो है सारी गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार सूर्यनारायण भगवान का व्रत रखें। व्रत करने से पहले नगर के लोग सुखी जीवन